साथियों नमस्कार, जय गो माता जय गोपाल। मैं मोहन शर्मा, मैनेजर किसान दानश्री लाडवा गौशाला लाडवा हिसार हरियाणा। आज आपको खेती से संबंधित कुछ विशेष जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। 30-40 साल पहले जब खेती हमारे किसान करते थे, हमारे बुजुर्ग करते थे, तो खेती का एक पारंपरिक तरीका था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे बीच में केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फंगिसाइड, केमिकल वीडिसाइड, इस तरह के बहुत सारे जहरीले पदार्थ जो खेती में प्रयोग होने लगे, और आज उनके दुष्परिणाम जो सामने हैं उसके कुछ रीज़न आपके सम्मुख रखेंगे। कृपया ध्यान से सुने कि जैसे हम कोई भी क्रॉप है, हमारी वेजिटेबल क्रॉप है या पैडी है या अदर क्रॉप है, कॉटन है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूरिया खाद डालते हैं। यूरिया खाद डालते ही फसल में अड़ आता है, या अड़ या जिसको हम चेपुआ कहते हैं, चेपा, वो आ जाता है। और फिर उसको ख़त्म करने के लिए हम फिर उसके अंदर केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड डालेंगे, अड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन उस केमिकल पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव से, यानी ज़्यादा उमस फसल में बन जाती है। उमस फसल में बनने से सफ़ेद मक्खी पैदा होती है, मच्छर पैदा होता है, वो उस चेपुआ से भी खतरनाक होता है, जो फसल का रस चूसता है और ऊपर से गंदा करता है। धीरे धीरे पौधे को जो नहीं बिल्कुल मुरझाने की स्थिति में ले आ देता है, पौधा मुरझा जाता है और पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। आज आप देख रहे होंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है बाड़ी और मूंग, यानी कॉटन और मूंग की फसल इस वजह से खराब हुई है, जमीन में ह्यूमस बनना, पौधे के ऊपर ह्यूमस बनना। और ये जो चीज़ें हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अगर वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि ज़मीन को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ज़मीन में अगर 16 पोषक तत्व पूर्णतः हैं तो उसके बाद आप पौधे को सहायता के लिए, सिर्फ सहायता के लिए ऊपर से स्प्रे कर सकते हो। ऐसा स्प्रे जो हर्बल स्प्रे होता है, जो कि गाय के मूत्र से और दूसरे कड़वे पदार्थों से तैयार किया जाता है, जैसे आप है, नीम है, कंडाई है, दतुरा है, बकायण है, इत्यादि जो कड़वे पदार्थ हैं उनसे स्प्रे तैयार किया जा सकता है। और वो स्प्रे तैयार करके आप पौधे के ऊपर से छिड़काव करोगे तो उस स्प्रे का इतना फायदा है कि आपकी फसल को, आपके पौधे को नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस जैसी चीज़ें पौधे को ऊपरी भाग से भी प्राप्त हो जाती है। और जो केमिकल पेस्टिसाइड आप छिड़काव करते हो वो कीटनाशक होता है, 100% कीटनाशक होता है। उससे हमारे मित्र कीट भी, हमारे शत्रु कीट भी, दोनों ही का विध्वंस हो जाता है और ज़मीन के अंदर जीवाणुओं की कमी हो जाती है। जीवाणुओं की कमी होने से सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी फिर हमने अल्टरनेट खोजने पड़ते हैं। फिर हम जो है ना यूरिया, DAP, जिंक, सल्फर, ये अलग अलग चीज़ें डालते हैं, अलग अलग प्रकार के महंगे महंगे स्प्रे करते हैं, 3-3 हज़ार रुपये का एक स्प्रा, जो कि एक एकड़ में एक बार होता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए किसान धाम लाडवा गौशाला ने, वैसे तो हम 27 वर्षों से इस पद्धति पे काम कर रहे हैं, जैविक खेती, गो आधारित स्वावलंबी टिकाऊ खेती, यानी गाय के माध्यम से की गई टिकाऊ और जैविक खेती। एक गाय 10 एकड़ तक की खेती करवा सकती है। आप खाद घर पे बना सकते हो, आप पेस्टिसाइड घर पे बना सकते हो। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हर्बल स्प्रे, इस पर लिखा हुआ है, ये आड़ तेला चेपा मरोड़िया वाइट फ्लाई, जो पौधे के अंदर आवी की समस्या है, जो आई हुई हाल लेडी चली हुई है फसल के अंदर, उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। और दूसरा पौधे को ऊपर से खुराक देता है, क्योंकि इसमें एक किस्म से ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक हैं, गौमूत्र है, नीम है, आक है, कंडाई है, लहसुन है, दतुरा है,
ये चीजें हमने डाल करके इसको तैयार किया हुआ है और बहुत ही प्रभावशाली स्प्रे है। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई खतरा नहीं बच्चों के लिए या किसी के लिए। और दूसरे जो केमिकल्स के जो स्प्रे आते हैं उनमें परेशान व्यक्ति कोई स्प्रे पी के मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, या अचानक गलती से वो जो है ना मिसयूज हो जाता है, या स्प्रे करते समय चढ़ जाता है, वो भी काफ़ी किसान के लिए घातक है। और दूसरा खेती के लिए ज़रूरी भी नहीं है वो स्प्रे। तो आप ये स्प्रे जो है ना हर्बल पेस्टिसाइड के नाम से ये आप घर पे बना सकते हो और यूज हर फसल में कर सकते हो। आप इसको गन्ने में अगर मक्खी आती है उसमें यूज कर सकते हो, अगर आप धान में नाड़तोड़ जैसी बीमारी आती है उसमें प्रयोग कर सकते हो, उसका समाधान है। कॉटन में वाइट फ्लाई आती है, मच्छर आता है, उसका समाधान है। इसके अलावा मूंग में, मिर्च में मरोड़िया आता है, वेजिटेबल क्रॉप के लिए ग्रोथ का काम भी करता है शानदार। दूसरा फ्रूट्स के पौधों पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। और इसके अलावा शहरों में जो भाई रहते हैं और अपने छोटे छोटे गार्डन बनाए हुए हैं उनमें केमिकल छिड़कें तो वो घर पे प्रतिदिन यूज करते हैं, जैसे तुलसी है या दूसरे छोटे छोटे जो है पौधे हैं जो घर पे यूज करते हैं, पुदीना है, धनिया है, और उनमें आप केमिकल छिड़काव करोगे वही आप खाओगे तो आपके अंदर जा करके वो अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। हार्ट अटैक से लेकर के रक्तचाप, उच्च रक्तचाप इत्यादि कैंसर तक की बीमारियां केमिकल फर्टिलाइजर एवं केमिकल पेस्टिसाइड से आज होने लग रही है। इसके अलावा जिस जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है वो पानी के माध्यम से हमारे नीचे के पानी को भी खराब कर चुका है। नीचे जो पानी कुएं का पानी भरते थे, हैंडपम्प का पानी भरते थे, आज उस पानी का TDS देखिए आप, pH चेक करवा के देखिए, पानी हमारा ख़त्म हो चुका है। टोटल साइड इफेक्ट हर प्रकार के केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर से है, चाहे वो नीचे का पानी खराब होना हो, चाहे वातावरण खराब होना हो, वातावरण का प्रदूषित होना हो, या हमारी ज़मीन खराब होना हो। ये चीज़ खराब होने के बाद हमारे शरीर खराब हो गए, हर चीज पर इसका असर पड़ा है। साथियों आपको याद होगा सन 79 के अंदर, 1979 के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था, यानी उस समय केमिकल फर्टिलाइजर ये हमारे किसानों को दिया गया था और उसका छिड़काव करवाना शुरू किया गया था। तो उससे जो एग्री वेस्ट जो तैयार हुआ कैटल फीड के नाम से जो तैयार हुआ, वो जो हमारी देसी नस्ल की गायों को डाला गया, तो उन गायों को इतना प्रभावित किया उस जो फीड ने कि वो गाय एक्सेप्ट नहीं कर पाई उस फीड को, और उल्टा जो है कूड़ा करकट खाने लगी, उसके शरीर के अंदर वो हजम नहीं हुआ और उससे इतनी उत्तेजना बढ़ी उसकी, उसका स्वभाव चेंज हो गया। ये गाय का दोष नहीं है, आज गाय रोड़ों पर है, ये हमारा दोष है, क्योंकि हमने खाने को वैसा दिया उसको जो उसके अनुकूल नहीं था, जिसके फलस्वरूप उसका स्वभाव चेंज हो गया, उसके दूध में कमी आई, उसके दूध को दूध देने की मात्रा में कमी आई, उसको कम समय तक दूध देने में कमी आई। फिर इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज ऐसे हुए जो कि हमारी अन्य बहुत सारी चीज़ों के साथ खिलवाड़ हुआ है प्रकृति के साथ में। तो किसान धाम लाडवा का उषाढ़ा लाडवा हिसार हरियाणा पिछले 27 वर्षों से हरियाणा की एकमात्र स्वावलंबी गौशाला है, जो किसानों के मध्य जा के हमने केंचुआ पालन के डेमोस्ट्रेशन फ्री ऑफ कोर्स दिए, ये स्प्रे बनाने हमने किसानों को सिखाए, आज बहुत सारे किसान इसको आजमा रहे हैं, इसको कर रहे हैं और इसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा ये चीज़ें कोई भी साथी अगर सीखना चाहता है तो हर महीने की 26 से 27 28 यानी 3 तारीखों में लाडवा गौशाला में ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग जैविक खेती के खाद और स्प्रे के साथ साथ पंचगव्य प्रोडक्ट बनाने की भी होती है, जिसमें पंचगव्य प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है, यानी गायों से आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, मूत्र और गोबर से, गोबर को 200 रुपये किलो तक कैसे बेच सकते हैं, मूत्र को 600 रुपये किलो तक कैसे बेच सकते हैं, जो कि आसान है और ये जो नहीं किसी प्रकार का जुमला नहीं है, एक स्वाभाविक बात है और शास्त्र बात है।
यानी हर किसी के सामने से गुजरी हुई और एक एक्सपेरिमेंट की हुई बात है। बिना दूध देने वाली गायों से आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो लाडवा गौशाला में 26 से 28 तीन दिन ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसका हम 3100 रुपये शुल्क लेते हैं, जिसमें खाना पीना रहना सहना सब हम प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देते यहाँ आने वालों को, और गाय के प्रति पूरा का पूरा जो है ना ज्ञान करवाते हैं कि गाय से आप क्या क्या कर सकते हो, मेडिसिनल क्या कर सकते हो, कॉस्मेटिक में क्या कर सकते हो, डोमेस्टिक में क्या कर सकते हो, जैविक खेती में क्या कर सकते हो, किन किन चीज़ों को बना करके आप मार्केट में बेच सकते हो, और जिससे लोगों का भी भला हो, गौ माता का भी भला हो और आपका भी भला हो, हर तरफ से चारों तरफ से सबका जो है इसमें हित है। जो जहर रहित पदार्थ हमारे देशवासियों को खाने को मिलेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और ज़मीन के अंदर जहर रहित खाद और जहर रहित हर्बल स्प्रे डालोगे तो ज़मीन ठीक रहेगी, पर्यावरण ठीक रहेगा, हमारी मानसिकता ठीक रहेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे और गौ माता से हम जुड़ जाएंगे वापस। गौ ही तरण तारिणी है और हिंदुस्तान की 80% समस्याओं का समाधान गाय में है। तो इसलिए साथियों नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और बहुत से लोगों तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि गौ माता के इन विषयों को सब तक जन जन तक पहुंचाया जा सके। साथियों ये हर्बल स्प्रे कोई भी किसान या कोई भी अपने घर के लिए बागवानी के लिए अगर इसको खरीदना चाहता है मंगवाना चाहता है तो इसकी ऑनलाइन व्यवस्था अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम इसको मंगवा सकते हो। और ये जो है फिलहाल 300 रुपये लीटर के करीब इसका जो रेट है, तो आप किसी भी समय ऑनलाइन हमारे जो नहीं यूट्यूब चैनल पे जाकर के हमारी वेबसाइट पे जाकर के इसकी बुकिंग कर सकते हो और होम डिलीवरी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।